फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरी भाजी की रेसिपी बता रही हूँ। वैसे तो मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया है कि मैं एवरी डे एक नया पंजाबी डिश आपको दिखाऊंगी और उसके साथ हम थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे। अभी मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने इसमें डालनी है। नाउ व्हाट विल डू, हम पहले एक पैन ले लेते हैं, उसे उसमें ही हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। वो जैसे स्प्लैटर हो जाती हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं करी पत्ता उसमें डालूं, पर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है चिलीज जो कि मैंने चॉप किए हुए हैं, और लास्टली आई एम एडिंग जीरा। जीरा करने के बाद फिर मैं उसमें अनियंस डाल रही हूँ और उसको अच्छी तरह से मैं स्टर कर रही हूँ। अब हम उसमें मसाले डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक और नमक, और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उस पर हम अभी 5 मिनट्स के लिए ढक्कन रखते हैं। 5 मिनट्स के बाद एक बार हम अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे, फिर उसमें हम पोटैटोज ऐड करेंगे। तब तक हमारा ऑनियन हाफ कुक हो जाता है और पोटैटोज को कुक होने के लिए थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मीनवाइल जब तक हमारी सब्जी बन रही है, हम अब आटा बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कप्स आटा लिया है गेहूं का, और उसमें मैंने नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसे अच्छी तरह से नीड करके अभी मैं उसके ऊपर और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और उसे स्मूथली नीड कर रही हूँ, ताकि मुझे एक स्मूथ डो चाहिए। अब मैं उसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रख दूँगी। अब मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे पोटैटोज कुक हुए हैं या नहीं। अभी तक तो नहीं हुए हैं, तो मुझे थोड़ा इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा और लेट इट कुक फॉर सम 5 to 10 मिनट्स। फिर उसके अंदर हम चॉप्ड टोमेटोज ऐड करेंगे। जब तक हमारी सब्जी बन रही है, हम डो के छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं टू मेक अ पूरी। मैंने यहाँ पे आटा नहीं लिया है पूरी बेलने के लिए। आई हैव टेकन ऑयल इन स्मॉल कटोरी और मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ पूरीज बनाने के लिए। हमें अच्छी ऐसी फूली फूली पूरीज बनानी है कि जो क्रिस्पी हो और फ्लफी हो और उतनी ही टेस्टी भी। अब हम थोड़े से पोटैटो को या फिर पोटैटोज को स्मैश कर लेंगे, ताकि वो सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। और लास्टली हम इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो आवर सब्जी इज रेडी। तो फ्रेंड्स, कल से रोज एक नई डिश सीखने के लिए तैयार हो जाइए और सबको हैप्पी दिवाली और बहुत सारा प्यार दीजिए। लास्ट तक एंड तक मेरे हर वीडियोस को देखिए और आप अपने घर पे भी इतनी खूबसूरत डिशेस बनाइए।